हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में वाइल लूप के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर से। तो चलिए ये यहाँ पे कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से टाइप करना है कोड ब्लॉक्स, ऑलरेडी डाउनलोड किया है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये कोड ब्लॉक्स ओपन हो जाएगा। यहीं पर हम देखेंगे कि ये वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। फॉर लूप के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, वाइल लूप भी बताया है, थोड़ा ये डिफरेंट है। आइए देखते हैं इसको कैसे हम चलाएंगे तो कैसे काम करेगा, ये पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ एम्प्टी फाइल एक ले लेंगे, तो ये एम्प्टी फाइल हमने ले ली, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको हेडर फाइल बनानी है। देखिए हेडर फाइल बनाना न बनाना, ठीक है, आप बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं। जैसे हेडर फाइल क्या होती है, हैश इंक्लूड stdio.h, डॉट एच लग गया यानी इसका मतलब है कि हेडर फाइल है। दूसरी हेडर फाइल है हैश इंक्लूड conio.h, conio 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 यानी कंसोल इनपुट आउटपुट, तो ये conio हो गया, डॉट एच लिख दिया हमने। और फिर यहाँ बनाएंगे मेन फंक्शन, तो ये बना लिया मेन फंक्शन, ठीक है। कभी कभी यहाँ void main भी लिखा जाता है, आप void main भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, जैसे int टाइप का एक वेरिएबल हम बना लेते हैं a नाम से, ठीक है, और इसमें इनिशियलाइज कर देते हैं। क्या इनिशियलाइज करेंगे, 10 इनिशियलाइज करते हैं। क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, 10। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10 इनिशियलाइज किया और ये लाइन खत्म हो गई, इसका प्रमाण ये सेमी कॉलन देता है। तो आपको अपने कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये लाइन खत्म हुई या नहीं, तो आपके कह देने से तो वो मान नहीं लेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो बताने के लिए आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। जब भी लाइन खत्म होती है तो टर्मिनेशन के लिए हम देते हैं सेमी कॉलन, और यहाँ पे लगाएंगे वाइल कीवर्ड। वाइल एक कीवर्ड है, ठीक है, और इसमें हम वाइल लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ए की वैल्यू, ए इज यहाँ पे करते हैं लेस देन क्या करते हैं, 20 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ये दे दी गई लेस देन 20 की, ठीक है। अब क्या करना है, अब एंटर करना है। यहाँ पे लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना लेनी है, ठीक है। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट से लूप की बॉडी बना ली है हमने, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे प्रिंटएफ, ठीक है, क्योंकि प्रिंट करवाने के लिए तो सी लैंग्वेज में प्रिंटएफ ही लिखा जाता है। और यहाँ पे देंगे डबल डॉटेड कोट्स में %d, क्या देंगे, %d, क्योंकि यही फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, ठीक है। और %d देने के बाद क्या करना है, आपको डबल डॉटेड कोट्स को क्लोज करके कॉमा लगाना है, और वैल्यू किस में जाके स्टोर होगी, ए में जाके स्टोर होगी, तो ये ए दे दिया। और यहाँ पे टर्मिनेशन दे देना है, टर्मिनेशन ऐसे दे देना है, तो ये टर्मिनेशन दे दिया। अब टर्मिनेशन देने के बाद क्या करना है, जैसे टर्मिनेशन देंगे फिर हमको याद आएगा कि वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना है, तो अगर इंक्रीमेंट करवाना है तो आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए ए प्लस प्लस लिखेंगे इस तरीके से, और डिक्रीमेंट करवाना होता तो ए माइनस माइनस लिखते। मेन फंक्शन बनाने के बाद ये कर्ली ब्रेसेस भी ओपन होता है, तो ये कर्ली ब्रेसेस ओपन करना भूल गया शायद मैं, तो यहाँ पर आकर के आप दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, ये हो गया, अब ये एरर नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ से वापस से कंपाइल करवाएंगे, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब यहाँ से रन करवाने की बारी है, तो ये रन करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिटर्न क्या कर रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखिए इसमें गैपिंग नहीं आ रही है, आप अगर ये चाहते हो कि गैपिंग आए या अलग अलग लाइंस में ये प्रिंट होके आए, तो यहाँ पे \n लगा करके \Ctrl+S कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, देन इसको कंपाइल एंड रन करवाएंगे दोबारा से। तो यहाँ से इसको पहले पुराना आउटपुट क्लोज करेंगे और यहाँ से जाएंगे, तो ये पुराना आउटपुट यहाँ पर है हमारा, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से जाके, ये क्लोज हो गया। अब इसको वापस से कंपाइल करवा दिया, देन रन करवा दिया, तो अब देखेंगे ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जा रहा है, क्योंकि लेस देन 20 किया गया है, तो 19 तक जा रहा है। जो दूसरी दुविधा है वो इस बात को लेकर के है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो दिया गया है यहाँ पर हम कमेंट लगा देते हैं, यानी कि इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, लाइन प्रिंटिंग में नहीं आएगी, तो क्या हेडर फाइल न लिखी जाए तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये भी एक दुविधा है, तो इसको भी दूर कर देते हैं हम। यहाँ पर इन दोनों लाइंस को कमेंट कर देते हैं, अब हेडर फाइल तो हट गई यहाँ से, और बाकी जो पुराना प्रोग्राम था वो सेम प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ, ये 20 था तो इसको लिख दिया है। अब यहाँ से बिल्ड पे चल के इसको कंपाइल करवा देते हैं, तो ये कंपाइल करवाया और कंपाइल करवाने के बाद इसको रन करवा दिया, तो देखिए हेडर फाइल तो कमेंट कर दिया। चलिए कमेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं हटा देता हूँ, हटा करके फिर इसको कंपाइल रन करवाता हूँ, देखते हैं चलता है या नहीं चलता है, ठीक है। अगर हेडर फाइल के बिना अगर चल जाता है तो भाई सही बात है, हेडर फाइल नहीं लिखी जाए तो भी हमारा काम चल सकता है, ऐसा संभव है। तो चलिए इसको यहाँ से कंपाइल करवाते हैं, हेडर फाइल पूरी तरह से हटा दिया। अब देखिए अभी भी ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हेडर फाइल लिखेंगे तो ही प्रिंट होगा, हेडर फाइल लिखनी चाहिए, लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, तो भी सही है आपका प्रोग्राम, गलत नहीं होगा, ठीक है, ओके।